क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन है, द्विखंडन किसे कहते हैं? सुदारण, मैंने उदाहरण भी लिखना है। द्विखंडन, द्विखंडन खंडन माने, खंडन माने बटना, खंडन माने क्या होता है? बटना। खंडन माने क्या होता है? बटना, यानी बटेगा जरूर, बटेगा जरूर, लेकिन कितने वर्गों में बटेगा? द्वि माने दो। कितने खंड में बटेंगे? बटेंगे यानी दो खंड में अगर कोई बट रहा है। ये अलैंगिक जनन का भेद है। कौन जनन का भेद है? अलैंगिक जनन का। अलैंगिक जनन पांच या छह प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार मुकुलन, द्विखंडन, बहुखंडन, मतलब ये सब होता है। विखंडन जिसको कहते हैं, बीजाणु जनन, कायिक प्रवर्धन, पुनरुद्भवन, तो ये सब होता है। उसमें सही क्वेश्चन था क्या कि द्विखंडन किसे कहते हैं, द्विखंडन किसे कहते हैं, और सोदाहरण के सही लिखे। तो जो लिखना पड़ेगा कि जो जीव क्या लिखेंगे दोस्तों, कि जो जीव अलैंगिक जनन के तहत, अलैंगिक जनन के अंतर्गत, के अंतर्गत दो वर्गों में विभाजित होकर, कितने वर्गों में विभाजित होकर, दो वर्गों में विभाजित होकर जनन संपन्न करती है, जनन क्या करती है? संपन्न करती है, करती है, और एक नए जीव की उत्पत्ति करती है, उत्पत्ति करती है, उसे क्या कहते हैं? उसे द्विखंडन कहते हैं। द्विखंडन जनन कहते हैं, मतलब द्विखंडन कहते हैं, द्विखंडन कहते हैं, द्विखंडन कहते हैं। जो जब दो वर्गों में बट गया, दो खंड में बट गया, उसको क्या कहेंगे? द्विखंडन। किसमें किसमें होता है? तो एग्जांपल है, किसमें किसमें एग्जांपल पूछा था, तो एग्जांपल लिख देंगे। एग्जांपल है अमीबा, अमीबा बहुखंडन करती है, अमीबा अपने शरीर को बहुखंडन करता है, अमीबा और पैरामीशियम। तो ये अमीबा बहुखंडन करते हैं, तो द्विखंडन भी करेगी आराम से। तो अमीबा और पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम। तो उदाहरण ये है, आपका क्वेश्चन दो नंबर का बन गया। दो नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, सुनिए, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिए, आपको लिए वीडियो बनाते हैं।